चलिए फटाफट जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। ओके फाइन। तो आखिर में डिस्कशन चल रहा था हमारा, वॉइस वीडियो स्क्रीन क्लियर? एक बार फटाफट जल्दी से यस और नो। यस सर। यस ओके फाइन फाइन ठीक है। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि कैसे रूट फाइंड किए जाते हैं। अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं आखिर में और फिर हम नया मेथड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 48 होता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 49 होता। कैसे सॉल्व करना है दोनों को? यहाँ पे ज़ीरो ले लिया हमने और यहाँ पे भी ज़ीरो ले लिया। बारी बारी से दोनों बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे शिफ्ट करोगे इसको आप तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 49। 49। बहुत ही अच्छा। अब एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 48 लग जाएगा तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 49। अब 49 की वैल्यू मुझे मालूम है, ये किसी का स्क्वायर है और है स्क्वायर किसका, 7 का। एक में हम प्लस लगाएंगे, एक में हम माइनस लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 7। और अब इसके बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, हम कुछ बोल नहीं सकते तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस और माइनस √48, प्लस और माइनस √48। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका। नॉन स्क्वायर नंबर होगा तो उसको आप ऐसे लिखोगे और स्क्वायर नंबर है तो आप उसको ऐसे लिखोगे। अब देखो ये चीज़ मैं इस बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो हम मेथड करेंगे उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे वाली मेथड के अंदर ये कंसेप्ट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अभी हम जो बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें आपको रूट्स ढूंढने के लिए बोला गया। रूट्स या ज़ीरो फाइंड करने के लिए बोला गया है या सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही है? नो सर। नहीं आ रही है? अच्छा, तो रूट्स ज़ीरो और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अभी तुमने देखा लिया सारा, मतलब हमने जो देखा वो कैसा था? मोनोमियल था, मोनोमियल बाइनोमियल था, मोनोमियल या बाइनोमियल था। अभी हम देखेंगे वो किसके लिए होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अभी हम देखेंगे वो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। और आंसर कितने आएंगे, कितने सॉल्यूशन बनेंगे इसके, 2 बनेंगे। पहले का नाम अल्फा रखेंगे, दूसरे का नाम बीटा रखेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने के 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, स्प्लिट मिडल टर्म। दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और तीसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब पिछले साल या अभी भी हम बोल सकते हैं कि CBSE बोर्ड और गुजरात बोर्ड दोनों ने इस मेथड को हटा दिया था सिलेबस में से, कंप्लीटिंग स्क्वायर को। वैसे नहीं हटाना चाहिए था, ये मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको आंसर तुरंत मिलते हैं, बट इसको हटा दिया था। और स्प्लिटिंग मिडल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला, इनसे सारे बच्चों ने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये मेथड से हम कैसे आंसर फाइंड कर पाएंगे, ये मेथड किस पे वर्क करेगी। सर CBSE बोर्ड में वैकेशन पड़ता है क्या? CBSE बोर्ड में वैकेशन होता है आपका
ये 1 मई से लेकर 30 जून तक, पहली 1 जुलाई से आपकी स्कूल ओपन हो जाती है, 2 महीने का वैकेशन होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, और ये मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज होता है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमने देखा है। तो यहाँ पे मैं ये मेथड समझा रहा हूँ, पहले स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको सिर्फ देखना है। मैं 4-5 क्वेश्चन करूँगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SMT। सबसे इजी मेथड है, आप 7 से पढ़ते आ रहे हो शायद, अभी मेथड देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये तो बहुत इजी है। और यूट्यूब के ऊपर मैंने इसका अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, करीबन बहुत सारे क्वेश्चन लिए मैंने उस वीडियो के अंदर, ताकि आप वो भी देख सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा अभी ग्रुप के अंदर। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिया जाए। 4m² + 4m + 1। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो मेथड है वो किस में लगती है, क्वाड्रेटिक में लगती है, क्वाड्रेटिक में लगती है। और क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है इसकी 2, मतलब इसके 2 आंसर आएंगे, अल्फा और बीटा। मतलब इसको भी सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आने चाहिए, पहला अल्फा दूसरा बीटा। कैसे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है। हाँ, वो 4m² + 4m तो जो सिंगल m है उसकी डिग्री भी प्लस नहीं होगी ना? ना, हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री लेनी है आपको, हाईएस्ट पावर की डिग्री लेनी है। ठीक है, पहले तो आपको देखना है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से आप देखो कंपेयर कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा ax² बिल्कुल फॉर्मेट में दिया हुआ क्वेश्चन है, कोई आगे पीछे नहीं, देखो आप देख सकते हो। तो कंपेयर करने पे समझ में आया कि a की वैल्यू 4 लेनी है, b की वैल्यू भी 4 लेनी है, और c की वैल्यू 1 लेनी है। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है? नो no. फॉर्मेट के हिसाब से आपको ए बी सी की वैल्यू लेना आ जाएगा, यस और नो? यस। ओके, ठीक है, अब मेथड हम स्टार्ट करते हैं। आप क्या करो, जो आपका बी है उसको ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर दिखाने की कोशिश करो। मैं 4-5 क्वेश्चन करूंगा तो आपको धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन में से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और फाइनली आप पूरा क्वेश्चन समझ जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो b है आपका, ये जो b, उस b को a और c के मल्टीप्लाई के बराबर दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं b, a की वैल्यू कितनी है 4, और c की वैल्यू कितनी है 1। आप मल्टीप्लाई करा लो, 4 × 1 क्या हो जाएगा 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर निकाले जाएं, 4 के ऐसे फैक्टर निकाले जाएं जिसको प्लस और माइनस किया जाए तो आपका बी आ जाए। जैसे 4 के फैक्टर निकालो तो क्या होता है, 2 × 4 होता है, 2 × 4 होता है। और अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 2। तो देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर दोनों का फैक्टर को प्लस किया जाए तो ये मेरे बिल्कुल बी के वैल्यू के बराबर आता है। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है, या फिर से एक्सप्लेन किया जाए? सर एक्सप्लेन, फिर से एक्सप्लेन करना है? हाँ सर, हाँ सर। ओके, मेरे पास इरेजर नहीं है, किसी के पास इरेजर हो तो मुझे दे दो। यहाँ पे इरेजर कहाँ गया? ओके चलो, ये आया इरेजर। चलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, जो बी है उसको
ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर दिखाना है। अब बी की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 1। वापस लिखेंगे हम 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 आ गया आपका, बट 4 के फैक्टर निकालने हैं आपको, इस वाले 4 के फैक्टर निकालने कितने आ जाएंगे, 2 2 4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनके फैक्टर को या तो प्लस करो या तो माइनस करो, प्लस और माइनस करने के बाद इसको बराबर दिखाना है। यहाँ पे लास्ट स्टेप में आपको इसको इक्वल दिखाना है, तो आप देख सकते हो 2 प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और वो हमारे बी के बराबर है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, यस और नो? फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो। किसी की आवाज़ नहीं आ रही है? आया सर, समझ सर। हाँ दिग्विजय, जैनी, खुशी, प्रिंस, टॉक्स, बच्चे बोल नहीं रहे, मतलब बाजू में कर दिया है फोन, ऐसा लग रहा है मुझे, डाउटफुल लग रहा है थोड़ा। नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमें दो फैक्टर मिल गए हैं, अभी जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, ठीक है। मेथड का नाम क्या है, स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, किसको, मिडल टर्म, मिडल टर्म तो आपका ये रहा, तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 4m स्क्वायर, मैंने क्या बोला था आपको क्या करना है, इसको इसके फॉर्म में लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2m प्लस 2m प्लस 1। देखो ये मिडल टर्म टूट गया दोनों में, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप बनाना है आपको, और थर्ड और फोर्थ का ग्रुप बनाना है। आप देख सकते हो दोनों में से क्या क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको सिंपल सिंपल लिख रहा हूँ, 2 × 2 × m × m प्लस 2 × m प्लस 2 × m प्लस 1। अभी आप फर्स्ट और सेकंड में देखो क्या क्या कॉमन है, ये 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये m इसके पास भी है और m इसके पास भी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोनों को बाहर निकाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे क्या बचा, ये वाला 2 बचा और ये वाला m बचा, प्लस यहाँ पे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1, ये वाला प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और देख सकते हो यहाँ पे तो कुछ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 इसके पास है बट इसके पास कुछ नहीं है, यहाँ पे m है बट इसके पास m नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे इनको एज इट इज लिख लेंगे हम, टू एम प्लस 1, और आगे कुछ नहीं तो क्या मानना है आपको, 1 मान लेना, अब ये क्वेश्चन सही है या गलत है कैसे पता करोगे, तो आपका ये जो पहले ब्रैकेट में जो आया ना वही आपका दूसरा ब्रैकेट में आना चाहिए, अगर ये सेम आ रहे हैं तो समझ जाना कि आपने सही किया है। मैं इनको पहले एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करो, यहाँ पे जो है उसको लिखो, फिर यहाँ पे जो साइन रहती है वो यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे जो होगा उसको आप लिखोगे, ऑलमोस्ट दोनों ब्रैकेट में सेम ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को जीरो कर देंगे, इसको मैंने दिखा दिया यहाँ पे और इसको मैं दिखा रहा हूँ,
इसको आप सॉल्व करोगे तो 2m इज इक्वल टू माइनस वन हो गया, यहाँ पे भी 2m इज इक्वल टू माइनस वन हो गया, यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। तो ये मैंने बोला था दो आंसर आएंगे, तो आपका अल्फा आ गया यहाँ पे माइनस वन बाई टू और बीटा आ गया माइनस वन बाई टू। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, चलिए एक और क्वेश्चन लिया जाए ताकि बेहतर समझ में आए, फिर से बता रहा हूँ पूरा एक्सप्लेन करके ठीक से। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन। तो पहले हम फॉर्मेट में है कि नहीं चेक करेंगे, बिल्कुल फॉर्मेट में है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता कर लेते हैं। फिर वापस वो रूल लगाएंगे कि जो बी है वो ए और सी के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। बी की वैल्यू तो हमारी सेवन है, ए की वैल्यू सिक्स और सी की वैल्यू वन, वापस ये सिक्स आ गया। अब सिक्स के फैक्टर निकालो, क्या आ जाएगा सिक्स के फैक्टर क्या आ जाएंगे, सिक्स वन जा सिक्स, ठीक है। सिक्स के दूसरे दो भी और भी फैक्टर निकलते हैं, टू इंटू थ्री भी निकलता है, टू इंटू थ्री भी निकलता है, बट अगर आप इनको प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस करने पे तो फाइव मिलेगा और माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा। जो यहाँ पे तो हमें क्या लाना है, सेवन लाना है, मतलब ये फैक्टर हमारे लिए काम के नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो सिक्स प्लस वन करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, सेवन मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि कौन से फैक्टर आपको लेने, भी वापस क्वेश्चन पे आएंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस वन। स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, मतलब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसके दो भाग करेंगे हम, पहले वाला टर्म एज इट इज प्लस, अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स एक्स लिखेंगे और यहाँ पे वन है तो वन एक्स लिखेंगे और बीच में प्लस, लास्ट वाला टर्म एज इट इज। इनको वापस ग्रुप बनाया जाए, फर्स्ट सेकंड का ग्रुप, थर्ड फोर्थ का ग्रुप, इनको फिर से एकदम छोटे छोटे वैल्यू में लिखते हैं, अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आ रहा तो कर सकते हो आप। सिक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन है, माइक किसी का माइक ऑन है, क्या कॉमन आ रहा है देखेंगे हम। सिक्स आ गया, एक्स आ गया, इनको बाहर कर लो आप, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एक्स प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन प्लस, यहाँ पे देख सकते हो ये वन आ रहा है और ये वन आ रहा है, तो वन लिखेंगे, क्या बच रहा है यहाँ पे, एक्स बच रहा है प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो वन। आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आए, इसका मतलब समझ जाना है कि आपने बिल्कुल सही किया है। अब इनको आगे लिख देंगे हम, और फिर मैंने बताया था वैसे इसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ प्लस की साइन है तो यहाँ प्लस की साइन आ जाएगी, और यहाँ पे इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखो गया। अभी रूल के हिसाब से दोनों को ज़ीरो कर देना है, तो पहले मैंने क्या कर दिया, एक्स प्लस वन को ज़ीरो कर दिया और फिर सिक्स एक्स प्लस वन को भी क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया।
एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय सिक्स। तो देख सकते हो क्वाड्रेटिक था, दो आंसर आ रहे हैं इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा है उसकी वैल्यू आ गई माइनस वन, और जो बीटा है उसकी वैल्यू आ गई माइनस वन बाय सिक्स। किसी को कोई परेशानी है भाई, समझ में नहीं आया हो तो मुझे फिर से बता दो एक बार, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई परेशानी, किसी को प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया हो ऐसा? हाँ ध्वनि बताओ, ध्वनि समझ में आ गया है? समझ में आ गया है सबको? एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, चलो एक और क्वेश्चन लेंगे। फॉर्मेट चेक करेंगे, फॉर्मेट से आपको मिल गया a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू 2। वही चेक करेंगे b है वो a इंटू सी के बराबर आ रहा है कि नहीं। a की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 2, 8 2 16। और आपको क्या लाना है यहाँ पे, b की जगह पे 8 लाना है। तो 16 के ऐसे फैक्टर निकालो कि आपका आंसर 8 आए, क्लियरली दिख रहा है? कौन बताएगा? फोर फोर जा 16 होता है, और अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 8 मिल जाएगा। प्रियांशी, खुशी, जैनी, राधिका, श्रद्धा, समझ में आ रहा है? टक्स, प्रिंस, प्रिंस जलाराम, प्रिंस नवोदय, भाई आप लोग बोलते नहीं हो, मेरे को लग रहा है कि सब सो गए हैं। यस और नो? यस यस सर, आया समझ में। यस सर। हाँ, ये वाला स्टेप भाई आपके लिए नया है, कुछ नया नहीं है। देखो ये है ना, ये थोड़ा आपके लिए नया है, बाकी तो फैक्टर निकालना, कॉमन निकालना, ये तो आप फिफ्थ क्लास से एट क्लास से करते आ रहे हैं। चलिए अभी क्वेश्चन लिखेंगे। स्प्लिटिंग मिडल टर्म है तो सेंटर वाला टर्म टूटेगा। एट एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं फोर है तो फोर लिखूंगा, फोर एक्स, यहाँ पे भी मैं फोर एक्स लिखूंगा प्लस टू। सिंपल टर्म में इसको लिखेंगे हम फोर इंटू टू इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स, सॉरी इसको मैं लिखूंगा टू इंटू टू, क्योंकि नीचे टू फैक्टर आ रहा है, इसलिए ग्रुप बना लेते हैं। इनका ग्रुप था और इनका ग्रुप था। अब देखते हैं यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 4 आया देखो, और यहाँ पे x भी आ रहा है, दोनों को बाहर कर दिया, जो बचेगा वो अंदर आ जाएगा। यहाँ पे 2 बच रहा है और ये x बच रहा है, प्लस के बाद में कुछ भी नहीं बच रहा है तो 1 बचेगा। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 को बाहर कर दिया, और यहाँ पे ये x बच रहा है, x आ गया, यहाँ प्लस के बाद में कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पे 2 भी बच रहा है, देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे हम। देख सकते हो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं,
को साइड कर दो आप। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है 4x, यहाँ की साइन लिखेंगे हम और ये यहाँ पे अंदर। अब आखिरी स्टेप रहेगा हमारा दोनों को इक्वल दिखाना, दोनों को जीरो के बराबर दिखाना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। और 4x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, यहाँ शिफ्ट करोगे तो 4x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 4, ये कट हो गया 2 आ गया, देख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 आया और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 आया। यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं समझ में आया हो ऐसा? नहीं। कुछ नहीं समझ में आया हो ऐसा कुछ तो बताओ। कहाँ गए बच्चे सारे? 9 बच्चे कनेक्ट हुए हैं भाई, कौन कौन नहीं है? ध्वनि समझ में आया? दिग्विजय, जैनी, खुशी, प्रिंस, यस सर, यस सर, प्रियांशी, राधिका, शिवांग, श्रद्धा, हाँ सर आ गए मुझे तो, हाँ सर आ गए मुझे। ये थर्ड वाली क्लास में बहुत सारे बच्चे गायब हैं। यस सर आया, यस सर आया। ओके ठीक है, अभी भी देखो मैंने होमवर्क में क्या भेजा है आपको। सेकंड जो चैप्टर है आपका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भेजा हुआ है, वो आपको नोटबुक में लिखना है। जब आप स्कूल का होमवर्क करोगे तब भी आपको वो हेल्पफुल रहेगा, अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो एक बार क्या करना है, आप अपनी नोटबुक में वो क्वेश्चन सारे लिख ही लेना आंसर के साथ, ताकि फ्यूचर में आपको कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी नोटबुक को देख सकते हो। और इस चैप्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने RD शर्मा में से और बुक में से बनाए हैं और मैंने उसका सॉल्यूशन मेरे हाथों से किया हुआ है, तो वो PDF मैं इस ग्रुप में रखने वाला हूँ, ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद। और साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री और आपके जो केमिस्ट्री के जो आयनिक चार्ट वाले क्वेश्चन थे जो आपका होमवर्क दिया था, वो आप करते रहना, क्योंकि एकदम ऐसा ना हो कि मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ और आपको समझ में ही ना आए। और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे साइंस स्टार्ट करना है, बट शाम का जो टाइम है 6 बजे वाला टाइम, उसमें बहुत सारे बच्चों का जो मतलब कोई बच्चे एलन में है, कोई आकाश में है, तो अलग अलग जगह भी पढ़ रहे हैं अभी ऑनलाइन, तो उनका जो टाइम है वो शाम को 6 बजे वाला टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ मैं मतलब टाइम सेट नहीं कर रहा हूँ अभी, सबको वॉइस सुनाई दे रही है सर? जल्दी से एक बार बता दो फटाफट सर। हाँ वॉइस सुनाई देना है सबको? यस सर, यस सर। ओके तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम मॉर्निंग में एक साइंस के लिए क्लास रख सकते हैं नियर अबाउट 7 से 7:20 के अंदर अंदर? ओहो नहीं सर, नहीं सर, आपने 6 बजे का रखा है ना शाम का, तो फिर 6 बजे में साइंस ले लो ना और सुबह मैथ्स हो जाएगा इक्वल। हाँ बट शाम का 3-4 बच्चे हैं उनका एलन में और आकाश में, उनका ऑनलाइन चल रहा है अभी, तो शाम का उनका टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो सर आफ्टरनून में रख, बच्चे हैं आफ्टरनून में रख लो, आफ्टरनून में सर नहीं, सर दोपहर में सर सोने का टाइम होता है, क्या सर को सोने को मिले? सर वो प्रियांशी सच बोल रही है, आफ्टरनून में नहीं, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं अभी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जो टाइम है वही कंटिन्यू करते हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, 8 से 10 वाला जो टाइम है वही रहेगा आपका, अभी कोई चेंज नहीं करेंगे। और शाम को 6 बजे वाला क्लास आपका नहीं आएगा, थोड़ा वेट करते हैं, कुछ अच्छा एडजस्टमेंट होता है तो वहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे थोड़े दिन के बाद पहले 2 क्लास मैच कर लेंगे और आखिरी वाला क्लास हम साइंस कर लेंगे, ठीक है,
वो शायद थोड़ा तो मतलब आज फिजिकल छह हो बजे का जाएगा आपके नहीं है ना लिए। शाम को? छह बजे का नहीं है ना शाम नहीं, आज शाम को 6 बजे नहीं होगा क्लास, से मॉर्निंग में रख लो। ठीक है, जब मॉर्निंग में रख लो। अबे तू मॉर्निंग में तू कितने बजे ये रखना है? सोना थोड़ा, वैकेशन है, मजा उठा ले। वैकेशन सही बात है, फिर नहीं होगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी जो टाइम है वही रखेंगे कंटिन्यू। आप लोग होमवर्क करना करो भाई, होमवर्क करना शुरू करो, वरना ऐसा होगा कि फिर क्लास देखते हो, वीडियो मिल जाएगा आपको और आप वही देखते रहोगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। इसमें मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम है, बट मैं कुछ बोल नहीं सकता, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे आप। ठीक है, तो आप होमवर्क करना शुरू करो और प्रैक्टिस करना शुरू करो, दिन में 10-12 क्वेश्चन करो अपने आप से, नहीं आते मुझे कॉल करो, मुझे पूछो। ठीक है, चलो फिर मीटिंग को यहीं पे हम क्लोज करते हैं और कल वापस मिलेंगे फिर से 8 बजे। चलिए फिर, गुड बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो।